जैसा कोहराम कोरोना की दूसरी लहर में देखने को मिला, कहा यह जा रहा है कि तीसरी लहर इससे भी ज्यादा भयानक होगी। तीसरी लहर के दौरान कैसे खुद को बचाकर रखना है, कैसे इस प्राण घातक वायरस से खुद को, अपने परिवार को, अपने समाज को बचाना है। कोरोना वायरस के विरुद्ध इस युद्ध में ब्रह्मास्त्र क्या है, कैसे बनेगा भारत कोरोना फ्री, इसका सोल्यूशन मिल चुका है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए पुनर्जन्म, वैक्सीनेशन इज द सोल्यूशन। कोरोना बहुरूपिया है, बहुत तेजी से नए अवतार धरता है, खुद को अपग्रेड कर महाघातक बनता जा रहा है। कोरोना के इस तिलिस्म को अब तक वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाए हैं। वायरस के रूप रंग बदलने पर काबू करना भी मुश्किल है, लेकिन इंसान तो अपने बर्ताव पर नियंत्रण कर सकते हैं। ये भीड़ कोरोना को म्यूटेट करने और नए वेरिएंट को पनपने में मददगार बनती है। कोरोना की तीसरी लहर इस बात पर निर्भर है कि वायरस का स्प्रेड ना हो। इसके साथ सबसे जरूरी है वैक्सीनेशन स्पीड। अगर वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जाए तो कुछ वक्त के लिए वायरस कंट्रोल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, डॉक्टर मानते हैं कि अब तक की स्टडी में ये देखा गया है कि कुछ लोगों में वैक्सीन के बाद भी संक्रमण हो रहा है। ऐसे लोग संक्रमित होंगे तो भी वायरस उनका कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा। पूरे देश में टीकाकरण कर दुनिया के कई मुल्क कोरोना को परास्त कर चुके हैं। 10 जून के बाद से 25 देशों में कोरोना वायरस का एक भी एक्टिव केस नहीं है। ये हैं वो देश जो कोरोना मुक्त हैं: न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, सेशल्स, फिजी, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, लाओस, वेटिकन सिटी, ग्रीनलैंड, मकाओ, मोंटेनिग्रो, इरिट्रिया, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, फॉल्कलैंड आइलैंड, सेंट पियरे मिक्वेलॉन, अंग्वेलिया, सेंट बार्ब, कैरेबियन नीदरलैंड, मोंटसेराट, टकर सेंट साइकोस, सेंट किट्स एंड नेवीस, टिमोर लेस्टे, फ्रेंच पॉलिनेशिया, अरूबा, फाइरो आइलैंड, आइल ऑफ मैन। विश्वव्यापी वायरस की काट है कोरोना का टीका। वायरस के खात्मे तक एहतियात बरतनी हम सब के लिए जरूरी नहीं, मजबूरी भी है, वरना वायरस के मृत्यु द्वार की चौखट तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।